कोरोना वायरस को देखते हुए सेंट्रल ड्यूज कॉलेज के सौजन्य से सिटी मजिस्ट्रेट ने मीडिया कर्मियों को मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर वितरित किया। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर जगह जगह पहुंचकर खबर इकट्ठा कर आम लोगों तक अपने अपने समाचार पत्रों और चैनलों के द्वारा लोगों तक निष्पक्ष खबर पहुंचाने का कार्य निडर होकर कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा हेतु सेंट्रल ड्यूज कॉलेज के सौजन्य से पत्रकारों को सुरक्षा हेतु मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शिक्षक वित्तमान श्रीवास्तव और सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, ये सब यहाँ ब्लॉक हो गया है, यही डिस्टेंस बना करके इन लोगों को थोड़ी डिस्टेंस स्पेस भी है काफ़ी, और डिस्टेंस बना करके मीडिया वालों को दे दिया जाए। उसके बाद नगर निगम के लोग हैं, पुलिस वाले कुछ यहाँ से बात कर रहे हैं। सर आप लोगों की संख्या कुछ संख्या मीडिया कर्मी का अदर ना हो, नहीं मीडिया कर्मी का हो लीजिए प्लीज भैया आ जाइए। श्रीमान श्रीवास्तव, शिक्षक अभिनंदन इंटर कॉलेज, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य माध्यमिक शिक्षक संघ। आज इस वैश्विक महामारी के युग में शिक्षक संघ के द्वारा सेंट्रल ड्यूज के प्रोफेसर और माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया गया है। यह क्रम निरंतर चलता रहेगा और शिक्षक समुदाय अपनी पूरी सहभागिता इसमें निभाएगा, और जैसा शासन का दिशा निर्देश होगा, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार हम लोग मास्क का वितरण करेंगे। और विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, डिग्री कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में हम एक जनसंपर्क अभियान चलाएंगे और जागरूकता का अभियान भी चलाएंगे। इसमें मीडिया कर्मियों की अत्यंत सहभागिता आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज सर्वप्रथम मीडिया कर्मियों को मास्क का वितरण, सैनिटाइजर का वितरण प्रारंभ किया गया। यह सेंट्रल ड्यूज डिग्री कॉलेज प्रोफेसर्स और माध्यमिक शिक्षक की ओर से एक छोटा सा प्रयास है। धन्यवाद। देखिए, गोरखपुर के कुछ प्रोफेसर्स ने, सम्मानित प्रोफेसरगढ़ ने ये इनिशिएटिव लिया कि मीडिया कर्मी को भी मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर दिया जाए। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे प्रेस क्लब के पास जगह चिन्हित की और मीडिया कर्मियों को अवगत कराया गया और उनको इनके माध्यम से यहाँ मास्क, सैनिटाइजर बांटे गए।